आज जो काम किया हुआ है ना, आप देख के खुश 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 हो जाओगे। पीछे से कुछ ऐसा लुक लग रहा है। सो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? कैसे आप लोग अच्छे हो गए? तो शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारा काम यहाँ पे चालू हो चुका है। फाइनल फिटिंग बाकी था, फाइनल फिटिंग हो रहा है। बस 3-4 पार्टी बड़े बड़े बाकी है, बाद में गाड़ी फिटिंग परफेक्ट हो जाएगी, गाड़ी को बाहर निकालेंगे। एंड आप जिसका वेट कर रहे हो गाइस, बस इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। गाड़ी बाहर से एकदम परफेक्ट दिखने वाली है। अभी क्या है कि अंदर अंदर उतना आपको लुक नहीं दिखा पा रहे क्योंकि जगह बहुत कम है। बाहर निकलेगी गाड़ी तो पूरा 360 दिखाएंगे, गाड़ी चालू भी करेंगे एंड आपको साउंड भी सुनाएंगे। कौन सा एग्जॉस्ट अपन गाड़ी में रखने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ करना है, बस एक बार गाड़ी का बॉडी बन जाए, उसका इंटीरियर, इसका सीटिंग, स्टेयरिंग, बहुत कुछ बाकी है, सब होने वाला है। ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? फाइबर का पार्ट है, जो हम बनाते हैं बॉडी वही मटेरियल का ये पार्ट है। हमारी जो बेनली बाइक है उसके अंदर हमने S1000RR की बॉडी फिटिंग किया हुआ है, उसका साइड का पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपको दिखाता हूँ, वो पार्ट हमने खोला क्यों वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट था चेंचिस का, मतलब BMW S1000RR में यहाँ पे आती है चेंचिस यानी ये बॉडी आती है, कार्बन फाइबर में कन्वर्ट करना है, मतलब कार्बन फाइबर का पार्ट बनाना है। कार्बन फाइबर लगेगा ना तो लगेगा कि हाँ ये कुछ हैवी है, मतलब कार्बन फाइबर ना दूर से लगता है कि ये कुछ प्रीमियम है, कार्बन फाइबर की कुछ अलग ही पहचान है। तो वो रखने वाले, वो थोड़ा अजीब लग रहा था यहाँ पे जो पार्ट था फाइबर का, तो कार्बन फाइबर का पार्ट बनाने के लिए इसको खोला हुआ है। एंड मेरे पास और भी एक चीज़ आई हुई है, BMW S1000RR ओरिजिनल जो बाइक आता है उसका कार्बन फाइबर पार्ट, ओरिजिनल कार्बन फाइबर पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पास आया हुआ है तावाइन करके चाइना में कोई है शहर, वहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ वेबसाइट का नाम आर्मा स्पीड करके, वहाँ से हमने बाय किया था। क्वालिटी देखो भाई, अभी मैंने कल रात को इसको ओपन किया है, बट आप देखना कि कैसा कार्बन फाइबर है, इंडिया के बाहर का है बट क्वालिटी है ना भाई, ख़तरनाक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ खोल के कौन सा पार्ट है। इसका पैकिंग देखो इतना मस्त किया हुआ है, ये देखो ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है गाइस। देखो ये टैंक कवर है, मतलब टैंक के ऊपर जो आता है वो पार्ट है, ये कुछ इस तरीके से लगता है। BMW S1000RR जो नया मॉडल आता है ना 2021-22 का, उसमें लगता है ये पार्ट है, इतना परफेक्ट शाइनिंग कर रहा है। एंड हम पूछेंगे दिलीप भाई को कि ये क्या मटेरियल है, दिलीप भाई को पता है कि कार्बन फाइबर कैसा होता है, फाइबर कैसा होता है, तो कैसे मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है? एपोक्सी आता है रेजिन, उससे बना हुआ है। तो एक ही लेयर लगाई हुई है, जहाँ से भी आया बहुत ही अच्छा है। कैसा है? बहुत बढ़िया। SS से 3 गुना स्ट्रॉन्ग रहता है, SS आता है ना मटेरियल, उससे 3 गुना स्ट्रॉन्ग ये मटेरियल है, उतना हैवी है। एंड इसकी डिमांड तो आपको पता है गाइस, इसका डिमांड कैसा है। इसको फिटिंग करने के लिए बहुत सारे बोल्ट भी आए हुए हैं, देखो ये सब बोल्ट है इसके फिटिंग करने के लिए। ये इसका इंजन कवर है, इंजन प्रोटेक्शन कवर, देखो राइट लेफ्ट, तो देखो कितना प्रीमियम दिखता है। ये देखो इसमें बहुत सारे कागज थे, ये वाला, ये सब बॉक्स के अंदर ही था। देखो स्टॉक में ऐसा आता है टैंक के ऊपर एंड लगने के बाद कुछ ऐसा रहेगा, जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एंड दूसरा कौन सा है, हाँ ये चैन कवर, वो भी इसमें, ये बड़े बक्से में चैन कवर, वो भी आपको दिखाएंगे चैन कवर। एंड दूसरा ये भी चैन कवर है, ये सब चैन कवर के पार्ट है। तो चलो और भी एक बॉक्स बाकी है, देखो तो इसके अंदर भी कुछ दिया हुआ है सेम चीज। हाँ देखो ये इंजन कवर कुछ ऐसा रहता है, देखो ये वो तो आपको दिखा दिया मैंने पार्ट्स, ये वाला, ये चैन कवर है, सबसे बड़ा पार्ट ये है, देखो ये चैन कवर है। मेरे बैनली में नहीं आता वरना सच में ये लगा लेता मैं, ओरिजिनल S1000RR में ही आएगा और कोई बाइक में नहीं आएगा। तो ये जो भी है मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हम लेने जाएंगे इसके वेबसाइट पे, तो आई थिंक $700 के करीब पड़ता है, मतलब डीलर के साथ $930 का ही पड़ता है, इंडियन रुपीस में करेंगे
तो 75,000 के इतने पार्ट है, 75,000 रुपए के इतने पार्ट है। तो आप किसी के पास BMW S1000 RR हो तो मुझे बताना, आपके लिए बहुत ही डिस्काउंट में ये सब पार्ट दे देंगे। ओरिजिनल पार्ट है यार, कैम फाइबर। तो किसी को भी चाहिए तो मुझे बता देना, बहुत ही कम प्राइस में आपको दे देंगे। तो चलो अभी अपने काम में फोकस करते हैं। है ना, ये जो हमने इसके ऊपर सब लगा के रखा, इसका मोल्ड बनेगा एंड वो भी अपन कार्बन फाइबर में कन्वर्ट करने वाले, मतलब बनाने वाले। इसका मोल्ड जाएगा एंड मोल्ड में से कार्बन फाइबर पार्ट निकलेगा कुछ ऐसा, वो तो यहीं पे बनाएंगे। गुजरात में हमारे एक फ्रेंड है सूरत में, वो पर बनाने वाले हैं, बट ये तो बाहर से आया हुआ है, ये बाहर का है। आपने पैकिंग देख लिया, तो देखो ये वाला पार्ट भी फिटिंग हो चुका है परफेक्ट, सब बोल्ट फिटे हो चुके हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी सी गैप है, उसका तो लास्ट में करेंगे, ऐसे तो छोटी मोटी बहुत सारी गैप रहेगी, उसको कवर लास्ट में करेंगे, बट फिटिंग पहले प्रॉपर कर देंगे। देखो so pretty is what they said to me, yeah that's what they said to me. Well they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well the only one who did that was somebody like me. When you ask my name I panic, so what am I leaving? ये जो नीचे का जो पार्ट है ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, वो फिटिंग हो चुका है। अभी फिटिंग करेंगे दोनों विंग्स एंड ऊपर का पार्ट तो एकदम कंप्लीट है, बस उसको लगा देना है। तो उसके लिए फिटिंग क्लैंप बना रहे हैं, जैसा कि ये आपने आगे से तो पूरा गाड़ी का लुक देख लिया, पीछे से लुक दिखना आपको बाकी है। तो पहले पीछे का कंप्लीट करेंगे, आगे का तो हो ही चुका है, बस पीछे का ही मेन पार्ट बाकी है। विंग्स है, लैम्बोर्गिनी वाला पार्ट है, वो फिटिंग हो जाने के बाद आप देखना गाड़ी लगने वाली है खतर। पीछे का तो बहुत सारा पार्ट बन चुका है, वो सूखने के लिए रखा है, जो बोर्ड लगाया हुआ रेजिन से वो। अभी ये वाला बाकी था, ये जो हमारा टायर है उसके ऊपर से निकलेगा ये पार्ट, ये पूरा अलग से था तो उसको फिटिंग करना है। देखो यहाँ पे जो पार्ट लगा रहते हैं वो पार्ट ऐसा कुछ रहेगा, एंड यहाँ पे भी आएगा, ये लाइन भी पूरी होगी, बना है वो पार्ट है, फिटिंग करना बाकी। But it was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you'd been waiting for somebody like me. पूरा दिन टीयर्सों के पीछे लगे हुए थे, आज जो काम किया हुआ है ना आप देख के खुश हो जाओगे सच में यार। मैं देख के इतना खुश हो रहा हूँ ना कि बात ही मत पूछो। मुझे पता था कि गाड़ी इतनी अच्छी दिखने वाली है, मेहनत जो कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट जो कर रहे हो, तो गाड़ी तो बनने वाली थी। तो पीछे से हमारी टीयर्सों का लुक देखो क्या लग रहा है भाई, खतरनाक लग रहा है। आगे तो थोड़ा बहुत काम बाकी है, यहाँ पे साइड का बाकी है, रोड का बाकी है, एनी वाला बाकी है,
आगे थोड़ा बाकी है, बट पीछे का जो लुक कम्प्लीट हुआ है ना उसका बात ही मत पूछो। छोटा छोटा पार्ट था, बनाने में पूरा दिन लगा, बट उसका रिजल्ट गजब आया हुआ है। पीछे डेमो देख लो, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलो अभी गाड़ी आपको दिखा देते हैं, आ जाओ पीछे। पीछे से कुछ ऐसा लुक लग रहा है, कमेंट जरूर करना। ये हमारा डेमो था एंड डेमो जैसा सेम टू सेम पीछे का लुक आ चुका है। पार्ट बना दिया है, ये विंग्स बना दिया है, ये विंग्स यहाँ पे लेमरी लिखा हुआ है वो भी बन चुका है एंड ऊपर के सब पार्ट फिटिंग हो चुके हैं। पीछे का सब कुछ फिटिंग हो चुका है। विंग्स देख लो, ये वाली छोटी विंग्स बड़ी विंग्स दोनों फिटिंग हो चुका है, जैसा कि डेमो में सेम वैसा बन चुका है। तो आगे क्या करना है, आगे का जो पार्ट बाकी है ये वाला, ये देखो ये भी एक विंग्स है वही बनाना बाकी है। तो वो सब बन जाएगा, इसका डोर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, बट ये लोग कम्प्लीट हो चुका है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि पीछे का आता है ना स्पॉयलर वो भी लगाएंगे, पहले एक बार गाड़ी कम्प्लीट हो जाए ना, दो बाद में उसको और भी खूबसूरत बनाएंगे। जैसे काम होता जा रहा है वैसे इसमें अपडेट करते जाएंगे नई नई चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।